गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में, रितिका के व्लॉग में। सो गाइस, मैंने अपनी जर्नी की ट्रिप तो दिखाई नहीं, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करूँगी नहीं, बिकॉज वो सारा सस्पेंस सिमर की वीडियो में है। सो गाइस, यार मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, सही तो बना रही हो। सो गाइस, हम लोग आए हैं ओली हिल स्टेशन और यार बहुत मज़ा आ गया और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी हम लोगों ने शूट वगैरह कर लाइट मार रहा हूँ तो दिख नहीं रही। बस यार, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा यही होता है। सो बहुत बर्फ वगैरह है यहाँ पे, बहुत ठंड लग रहा है। सनसेट पेपर चिपका हुआ सारा। हाँ, सच में वो ग्रीन स्क्रीन नहीं करते हो वीडियो लाई। हाँ, पिक्चरस है ना वहाँ पे, सनसेट हुआ है गाइस। यहाँ पे सुबह सनराइज होता है एंड वहाँ सनसेट होता है। ठीक लग रहे हैं असली, वो पहाड़ जैसे लग रहे हैं। ये यहाँ पे कॉटेज है मेरे, हमारे वहाँ पे दो कॉटेज हैं एंड वो लिटरली बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को इंस्टा रील में भी दिख जाएगा इफ यू वांट टू कम हेयर। एंड अभी हम जा रहे हैं अपना थोड़ा सा वार्म अप होने, खाने पीने। अभी उन्होंने बहुत यार बहुत अच्छा व्लॉग स्टार्ट करा, यही 25 मिनट का कर दूंगी, फिर आगे देखूंगी डालना कितना। नहीं नहीं यार, मेरे को थोड़े लेंथी व्लॉग्स पसंद नहीं। अभी मैं आपको बस बता रही हूँ, अभी हम लोग इवनिंग स्नैक करने जा रहे हैं। ये हमसे थोड़ा अलग ही जाते हैं। सो गाइस, यहाँ से मैं कल दो बार फिसलते फिसलते भी बची हूँ, तो मेरे को बहुत आराम से चलना पड़ेगा। एंड शू यहाँ पे थोड़े अच्छे कैरी करने पड़ते हैं, बिकॉज जो आपके पैर एकदम आइस को अंदर तक घुस जाए। सो गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ, आइस तक अंदर तक घुस जाए। हाँ, मतलब कि सुन लो यार, मैं तुम लोगों के लिए इतना अच्छा बताती हूँ एंड इसको गलत लगता है। मैं बोल रही थी अभी हम लोग पकौड़े एंड कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। चाय भी पी सकते थे बट चाय मैंने बनवाई नहीं, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ एंड इन्जॉय कर रही हूँ काफ़ी। सो आई लव कॉफ़ी, एक दिन में 4-4 बार पी जा रही हूँ, पता नहीं इतना कैफीन। अब पीते ही सो जाती हूँ। कल रात को हम सब सो गए थे 11 बजे एंड सुबह उठी हूँ मैं तो 11 बजे उठी हूँ भाई, क्योंकि इतना थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे बिल्कुल। यहाँ पे देखो पूरी बर्फ ही बर्फ है यार। सो यू कैन इमेजिन कहाँ पे आई हूँ मैं। और ये सबके कॉटेज है एंड सबसे ब्यूटीफुल बात इस जगह की ये, यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो फ्लावर्स होते हैं उनका बोटैनिकल जो नेम होता है लाइक कुछ भी जैसे कोई। सो गाइस, कल का मैं इतना ही दिखा पाई थी और आज का दिखाऊंगी। अब सुबह उठ चुके हो, 10 बज चुके हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले उठ जाता है सिमर और हरजोत हमारे ग्रुप में एंड मैं, सेठी एंड गुरनीत सोते रहते हैं, फिर हमें ये लोग उठाते रहते हैं और हम उठे हैं एंड नाउ हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विद द ब्यूटीफुल व्यू। यार इतना प्रिटी है ना, जो मैं चाह रही थी कि मतलब मॉर्निंग में आप लोगों को दिखाऊं, इसलिए आज मेरे को। सो लेट्स सी क्या क्या है। कैलॉग्स भैया, क्या बनाया आज स्पेशल? पूरी है, आलू पूरी बनाए, कल इडली था, पोहा, सेवई, दलिया एंड उपमा। एंड आप चाय कॉफ़ी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसको ब्रेड जैम खाना है वो ब्रेड जैम खा सकते हैं। एंड मेरी फेवरेट सीट और हम लोगों की फेवरेट सीट वो यही है, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट। और सांस वास ऐसे नहीं चढ़ रही, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोई ऑक्सीजन की कमी है, बाकी सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कुछ बुरा नहीं है। बाकी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, देखो इतने सारे, मतलब मैं हिल्स पे बहुत कम आई हूँ। सो मैं भूल ही जा रही हूँ, मेरे को 15 घंटा हो गया, सुनते जाओ सारे। अच्छा जाओ सब, बहुत अच्छा लग रहा है। आज रितिका इस पे उंगली लगा के लाइट जलाती है। जलाए क्या? कहते इसमें दिमाग ही नहीं होता ना, उसमें आयरन होता है। ये गाइस ज़्यादा बोलता है हमारे ग्रुप में, मैं नहीं बोलती इतना। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी ब्रेकफास्ट में। कल तो मेरा फेवरेट था। सो गाइस, आज है दूसरा दिन एंड सुबह मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और क्या क्या था। सो हम आते ही जस्ट रेडी होने लग गए थे, बट हमें काफ़ी टाइम हो गया यार, 3 घंटे हो गया हमें रेडी होते हुए सबको। एंड अभी का व्यू कुछ ऐसा है डे में, सो आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, सो ऐसा कुछ हो रहा है अभी। एंड मैं अभी धूप लेने जा रही हूँ यहीं से कूद जाऊँ डायरेक्ट। एंड काफ़ी
वो देखो मेरी शैडो बन रही है। सो गाइज अभी मैं जा तो रही हूँ, अभी हमारे फ्रेंड्स आएंगे वहाँ से, मैं इनसे सबसे आगे निकल आई हूँ बिकॉज इन्हें लगना चाहिए मैं पता नहीं कहाँ चली गई। सो इनके साथ पता नहीं क्या करूँगी एंड अभी पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। मैं जाए जा रही हूँ नीचे, नीचे तो ब्रेकफास्ट और खाने वाने का है। सो यस यार इन लोगों ने तो काफ़ी टाइम लगा दिया, मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ रहा है। कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है गाइज, जस्ट फॉर फन। सो गाइज पता नहीं है कहाँ बिजी हो गए, और हम वेट करें कि हमारी ये वीडियोस बना दे एंड हम जा रहे हैं इसके बाद ट्रैकिंग पे, क्योंकि गुणनीत जो है उसको जाना है चेयर व्हील, क्या कहते हैं उसको, व्हील चेयर मतलब कोई कुछ है यार, कोई एक्टिविटी है वो मेरे को नहीं पता। और केबल कार में जाना है यार, केबल कार। तो गुरनीत का बड़ा मन है इसलिए स्पेशली उन्हीं के लिए जा रहे हैं, एंड अगर मन हुआ तो ट्रैकिंग कर लेंगे बिकॉज अभी हमें 2 दिन और बाहर रहना है। अभी हम आगे भी जा रहे हैं ऋषिकेश, एंड और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कोई इस वीडियो में सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगी, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। सिमरी कर देता है बहुत सारा सस्पेंस। सो उसके बाद मैं सोच रही हूँ यहाँ से घर वालों के लिए संजीवनी बूटी ले जाऊँ, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे ले ही आई हो। सो गाइज हम ट्रैक के रास्ते आ तो चुके हैं, 100 मीटर आए हैं, हमें जाना था यहाँ पे। सो कैब केबल चेयर कहते हैं इसको आई गेस। सो हम वहाँ पे जाने के लिए बहुत इन्जॉय करेंगे, मतलब इंटरेस्टिंग है मेरी मतलब गुरनीत के लिए आए थे, वैसे आप देख के बड़ा एक्साइटमेंट सा जागा है मेरे अंदर। सो यस अगर कुछ वीडियोस हुई तो वो बनाएंगे एंड आपको दिखाएंगे। बाकी यार रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है बिकॉज बिल्कुल जो कहते हैं ना टॉप पे ऐसे चल के जाना है। सो 100 मीटर्स भी यहाँ का यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो यस वी आर गोइंग गन बूट भैया। सो गाइस ये दिल्ली वालों को वैसे भी लूटते, कल हम कुछ खाने लगे थे वहाँ, इन्होंने हमारे 200 रुपए ऐसे ही एक्स्ट्रा कर रखे थे। 100 तो हमने कम करा लिए, 100 नहीं हो सकते, चलो ठीक है पहाड़ का वो है। ओके यार वैसे इतना हर चीज पे उनका चार्जेस डबल होता है, लाइक इवन चिप्स चॉकलेट्स एंड इन पे भी। मैं थक गई ना इसलिए बोल नहीं पा रही। वैसे गाइस ये अंकल सही बता रहे थे, वो बोल रहे हैं कि हमारे शूज जो अच्छे अच्छे हैं वो गंदे हो जाएंगे, सो इसीलिए ये हमें रेंट पे दे रहे हैं 100 रुपये में। एंड मतलब वहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, जो जितने भी लोग गए बाकी लोगों को भी, तो वहाँ पे कोई कुछ बोल रहे 4 बजे का रिटर्न टाइम है। एंड ये चेयर्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, वो तो मेरा साइज भैया मुझे खुद ही नहीं पता। पेटी पैक हो चुकी है, डर तो लग रहा है ये वाले शूज पहनने में, बहुत अजीब लग रहा है मुझे गाइस, बहुत डर लग रहा है और बहुत डर लग रहा है। गुरीत बस ये पकड़ लो यार, मैं व्लॉग बना रही थी इसलिए यार, बहुत डर लग रहा है कैमरे में लो ना यार, फोन ना गिर जाए यार कहीं, मेरे को दो यार, बहुत डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं माता रानी? चलो ना, चल तू उधर तक, चलो ग्लैम्पिंग हाउस तक। यार व्लॉग ऑन था, इन्होंने ये जो भी बोल रहे हैं इनको इग्नोर करना, उस ग्लैम्पिंग हाउस पे वीडियो बना के आऊंगी एक, तो इसलिए वहां तक जाऊंगी। वैसे सब कुछ है यहाँ पे, हॉर्सेस भी हैं, मोटर बाइक भी है, बट हम अपने पैरों पे भरोसा कर रहे हैं बिकॉज यार अभी कैब उससे आए थे केबल चेयर से, तो वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बट ठीक है अभी तो चलते हैं। सांस नहीं चढ़ी? नहीं, दिल तो नहीं आया, बस दिल में मुंह में आ गया। चलो वहाँ तक जाएंगे ग्लैम्पिंग हाउस तक, वहाँ वीडियो बना के आएंगे ठीक है। गाइस अभी तक ये ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हो रही है और अभी 2 किलोमीटर हैं बाकी सारी एक्टिविटीज, तो हम नहीं कर रहे हैं, क्लियर सी बात नहीं हो पाएगी बिकॉज हॉर्सेस की वजह से डर लग रहा है, मोटर बाइक हमसे चलेगी नहीं बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट है यार, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे है टॉप पे, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यार, चलानी आएगी नहीं, बेफालतू में रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक तो केबल चेयर लेके बड़ा रिस्क लगा मुझे तो, पर ठीक है जैसा है।
पोपट काटती रहूंगी मैं हमेशा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ये फोटो ले ले ऐसे में गाइस, ये वो मंदिर है जहाँ हनुमान जी विश्राम किया था। जय हनुमान जी। सो गाइस, अब मैं फाइनली आपको खाने के लिए दिखाई देती हूँ। सबके व्लॉगर्स व्लॉग ऑन कर लेते हैं। फूड विद व्यू, बेस्ट फूड विद व्यू। भैया एक कॉफी करा दो। हाँ, पेट फुल कर लिया है, अब जा रहे हैं शो से। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम दूसरी लोकेशन पे आ गए थे, एज यू नो, जोशीमठ में। एंड इस जगह का नाम भी है ब्लू पॉपी जोशीमठ। सो गाइस, अभी मैं आपको यहाँ का बेस्ट वाला रूम एंड उसका टॉर दिखाने वाली हूँ। रूम टूर, टॉर टूर। सो गाइस, मतलब ये लोकेशन ओ माय गॉड है। एंड यहाँ पे ये प्यारे प्यारे पेट्स भी हैं एंड ये बहुत फ्रेंडली हैं। सो गाइस, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, बहुत अमेजिंग प्लेस है। पूरी फैमिली के साथ आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड ये देखिए, ओ माय गॉड, हेमकुंड साहिब का ये रास्ता है एंड ये रिवर वहाँ से आ रही है। हमें आज वहाँ पे जाना था बट काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है, प्लस वो देखो गाइस, क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं। ये देखो, क्लाउड्स नीचे आ गए हैं बिल्कुल पहाड़ों के। सो गाइस, ये भी बहुत टॉप पे जगह है एंड यार ये बहुत सीनरी टाइप व्यू है। एंड आप यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट, चाय, इवनिंग स्नैक्स, कुछ भी यार, अपनी फैमिली के साथ आएंगे। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है दोबारा से, बस आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेस बता रही हूँ जोशीमठ में, जो ओली से 25 मिनट्स का रास्ता नीचे है। एंड ये है ऊपर आके ये वाला रूम, एंड ये रूम से फिर व्यू देख लो गाइस, ओ माई गॉड। मतलब यार वहाँ सनसेट हो रहा है एंड बहुत अमेजिंग है ये, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। प्लस गाइस, अभी मैं इसलिए ध्यान दे रही हूँ, मतलब इतने ध्यान से इसलिए सोच रही हूँ, मुझे आवाज़ आई है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है यार पहाड़ों पे ना। सो गाइस, ये आपका रूम है, आप लोग आ सकते हैं एंड विजिट कर सकते हैं जोशीमठ में। अगेन यहाँ पे आप लोग तीन लोग प्लस ऊपर तीन लोग सो सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मेरे को आज निकलना था, हम लोगों को सब लोगों का मन किया और हम लोग आज भी रुक गए, कल सुबह जाएंगे, वहाँ से होते हुए ही जाना है हमें, तो पहले वहाँ वीडियोस बनाएंगे उसके बाद जाएंगे। एंड मैं बिल्कुल रेडी होके वीडियोस वगैरह, मतलब तभी व्लॉग लेती हूँ, उससे पहले नहीं लेती हूँ, बिकॉज वैसे तो कोई हो नहीं है यार। बाथरूम की ना लाइट नहीं चल रही है, तो आप बाथरूम भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है यार ये बाथरूम भी। सो गाइस, मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ। एंड अभी यहाँ पे और काम चल रहा है, ये अभी एक साल और लग जाएगा। सो अभी भी आ सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बट एक साल बाद ये जगह बहुत अलग होने वाली है, ऐसा हमें इनके ओनर ने बताया। एंड आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ। प्लस मैं क्या बता रही थी, अभी हम लोग वीडियोस बनाएंगे थोड़ी रील्स, हमारे फ्रेंड्स वगैरह रेडी हो रहे हैं, सबसे पहले मैं रेडी हो गई एंड जो हमारे साथ गुड़नी ताई हैं वो रेडी हो गई। ये रूम शायद इन्होंने ओपन कर दिया है, सो यहाँ पे भी एक रूम है एंड ये लैम्प वैम्प भी लगा रखे हैं। सो यस, अभी काम चल रहा है इस वाले रूम में, बाकी जो हमें रूम्स मिले हैं वो नीचे हैं, जो हमने रूम्स लिए हैं वो नीचे हैं एंड उन वालों में काम चल रहा था। सिमर, तो ये सिमर का, सिमर और सेठी का रूम है, मेरा गुरनीत और हरजोत का रूम सेम ही है, मतलब वो भी बहुत काफ़ी बड़े रूम से, बहुत स्पेस है इन रूम्स में। सो कोई स्पेस की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओली थोड़ी ऐसी जगह हो जाती है जो हिल स्टेशन है कम्प्लीटली, ये थोड़ी आपको नीचे आके प्रॉपर जगह मिल जाएगी। सो गाइस, मैं अभी दिखाती हूँ चुपके से क्या कर रहे हैं लोग।
सिमर भी रेडी हो चुका है। सही है, ठीक है। इसमें ना रहेगी? अरे चाबी तू ले गया सी कमरे थी ना कल। अरे ये रहा, वो तो सेठी तो अंदर है। चाबी तू ले गया सी ना कमरे। अरे तो मुंह ही छुपा लेते, पता नहीं ऐसे इन्होंने क्या किया, मेरे को नहीं समझ आता क्यों मुंह छुपाते मेरे व्लॉग में। आई डोंट नो यार, तेरे तो क्यों व्लॉग में छुपा लेते हो। हां ज्यादा हो रहे हैं। सो यहां पे गुन्नीत रेडी हो रही है। सिटी गुन्नीत कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं कहना चाहती, बाहर दिख रहे हो आप मुझे व्लॉग में कैप्चर कर। कोई बात नहीं, ये तो व्लॉगर्स की लाइफ है। मैं तो एकदम चुपचाप होके बना रही हूं। ये मेरा एक अकेला ऐसा इंसान है इस धरती पे, खो जाता है, इसको आवाज लगाते रहो सुनाई नहीं दे। सिमर देखो सुन, हमें लगा था तो सुनेगा ही नहीं। बन गया वो, कुछ बना ये 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 मैं बताया ही दूर तक फ्रेंड्स को बताया। कितनी बढ़िया सफाई से बनाई है गाइस। तो अभी ये ना थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई बात नहीं। गाइस सो हमारी डिमांड पे कुछ बनवाया हमने स्पेशल इवनिंग, पहाड़ों का बेस्ट मैगी और मोमोज। नहीं अब मैगी और मोमोज मत करना यार, हम बहुत मैदा खा चुके ऊपर वहाँ पे भैया वहीं पे। सो हम यहाँ पे खा रहे हैं। सामान आ गया? सामान आ गया ही। कैसा सामान लेना है? ताड़ी बड़ी स्पीड तेज चलती देख लेना। की स्पीड तेज चल रहा है ताड़ी बनवावा बोल बोल के। तेज तेनू कह रहा है लव यू यार। मेरा व्लॉग स्टार्ट था तो तुम इतना वो क्यों कर रहे हो? सो गाइस ये ऑन डिमांड भैया ने बनवाए हैं पोहा और पकौड़े। एक कटोरी भैया को तुम्हारे लिए चीनी लानी पड़ती है। यस सर, गरम लानी पड़ती है इनके लिए। सो गाइस मैं तो अपने पोहे के लिए बहुत रेडी हूँ, बिकॉज बहुत जोर से भूख लग रही है। सो गाइस चलते हैं अपने घर को, दिल्ली को। ये